अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस। ये एमपीसेट 2017 का पेपर है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट है एनालिटिक फंक्शंस। तो एनालिटिक फंक्शन के आसपास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी इस तरह नेट या सेट के एग्जाम के अंदर। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं और कौन कौन सी केसेस के अंदर एनालिटिक फंक्शन इम्प्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट को, मतलब कब एनालिटिक फंक्शन कॉन्स्टेंट बन जाते हैं, वो कंडीशंस बहुत बार पूछी जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं पहले तो एनालिटिक फंक्शन होते क्या है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपने को एक एनालिटिक फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। अब एनालिटिक फंक्शन के बारे में, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है फ्रॉम डी टू सी, एनालिटिक फंक्शन को समझने के लिए हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को समझना पड़ेगा। तो कोई भी डोमेन है डी से कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कोई फंक्शन डिफाइन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो उसको पहले तो हम ऐसे डिनोट करते हैं कि एफ ऑफ जेड क्या होगा उस केस में, उसका एक रियल पार्ट होगा जिसको हम यू एक्स वाई से डिनोट करते हैं, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसको हम वी एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं। यू इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड वी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, इसका डिफरेंशिएशन निकालें हम। डिफरेंशिएशन की जो डिफिनेशन है, इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी की डिफिनेशन है, वो जो रियल का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी, अगर मान लो ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो उस केस में उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, एफ डैश जेड, वो जो आता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डेरिवेटिव होता है वो क्या आता है, यू एक्स प्लस आई वी एक्स आता है। अगर मान लो इस फंक्शन का आप उसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, एफ टेस्ट जेड इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स, दोनों का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो। यू स्मॉल एक्स इज व्हाट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यू क्या यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। डिफरेंशियबिलिटी का यहाँ पे हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे, कोई फंक्शन डिफरेंशियबल तभी होगा जब वो रियल का जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियबिलिटी का, वही यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। हम यहाँ से बात स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर डेरिवेटिव निकल रहा है किसी फंक्शन का, देन इट विल इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आई वी, एंड ऑल्सो एफ डैश जेड क्या होगा अपने पास में, दिस इज व्हाट वी वाई प्लस आयोटा माइनस यू वाई, एक पॉइंट तो अपने पास में ही हो गया, डेरिवेटिव निकालना है तो ये हो जाएगा, क्लियर है। ये जो कंडीशन एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन इम्प्लाई करती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्या यहाँ से अगर ये दोनों ही तो डेरिवेटिव है इस फंक्शन के, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो यू एक्स है वो क्या होता है, वी वाई होगा। और यहाँ से अगर मैं वी वाई लिखूँ, इमेजिनरी पार्ट के इक्वेट करेंगे हम, तो यू वाई क्या आ जाएगा अपने पास में, माइनस वी एक्स। ये जो कंडीशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम, सी आर इक्वेशन, कॉशिज निमान इक्वेशन। क्या होती है अपने पास में कि यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होता है और यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होता है। ये कंडीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब इंप्लाई करती है, जब भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो इसका मतलब वो सी आर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, नॉट कन्वर्सली, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबिलिटी इज ए पॉइंट बेस्ड कॉन्सेप्ट, किसी पॉइंट पे चेक किया जाता है। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो डिफरेंट डेरिवेटिव होगा वो कैसे निकालोगे आप, इस फॉर्मूले से। एंड अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन हमेशा सेटिस्फाई करेगा सी आर इक्वेशन को। सी आर इक्वेशन क्या है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, दिस इक्वेशन इज वॉट सी आर इक्वेशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये। अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, बट नॉट कन्वर्सली, क्लियर है। देखो हम कह रहे हैं कि अगर P इंप्लाई करता है Q को, कोई स्टेटमेंट, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि नॉट Q
will imply not p. अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशियबल भी नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट नोट. सेकेंड अपने पास में ये ध्यान रखने वाली बात है, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है. कोई फंक्शन अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि वह फंक्शन डिफरेंशियबल होगा उस पॉइंट पे. सी आर इक्वेशन प्लस अगर उसके जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, ये सारे जो आपने निकाले यू एक्स वी एक्स यू वाई एंड वी वाई, इफ दे ऑल आर कंटिन्यूस देन इट इंप्लाइज, मतलब सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और सारे इक्वेशन क्या है, ये जो सारे पार्शियल डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर के, वो क्या हो, कंटिन्यूस आए, तब इंप्लाई करेगा कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल भी होगा. तो कन्वर्स इंप्लाई करवाने के लिए अपने को एक और कंडीशन ये चाहिए, उस केस में ये डिफरेंशियबल भी हो जाएगा. दिस वाज द सेकंड नोट, कब इसका कन्वर्स ट्रू होता है. क्लियर है? तो किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए. अब अगर डिफरेंशियबल है तभी हम फंक्शन को एनालिटिक बोलते हैं. क्या है, देखो अब हम आ जाते हैं एनालिटिक फंक्शन पे. अगर f डिफाइन है फ्रॉम d टू c, d उसका डोमेन है और f किस तरह का होगा, इसका मतलब इस तरीके से हम डिनोट करेंगे u ऑफ x कॉमा वाई प्लस v ऑफ x कॉमा वाई. फॉर एनी पॉइंट z जीरो बिलोंग्स टू d, वी से एफ इज एनालिटिक, एफ इज एनालिटिक इफ, एफ को एनालिटिक तभी बोलेंगे हम कि जेड जीरो के पास में एक डिस्क मिले, जो जेड जीरो कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट के पास में या इसके नेबरहुड में, ठीक है ना, इन नेबरहुड ऑफ जेड जीरो सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए. फिर से समझ लेते क्या था ये एनालिटिक फंक्शन का क्या मतलब है. किसी पॉइंट पे अगर हम उसको एनालिटिक बोलेंगे जेड जीरो पे, अगर जेड जीरो के पास में सारे पॉइंट पे, इसी को हम टेक्निकली मैथमेटिकली क्या बोलेंगे हम, कि जो जेड जीरो है उसके नेबरहुड में, मतलब ऐसा कोई नेबरहुड जरूर होना चाहिए जेड जीरो के पास में कि उसके सारे पॉइंट में क्या हो, फंक्शन डिफरेंशियबल हो, है ना. कुछ छोटी से छोटी डिस्क मिल सकती है आपको, ठीक है, तो उन सारे पॉइंट पे, इसके आसपास सब जगह डिफरेंशियबल होता है. केवल एक ही पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तब हम एनालिटिक नहीं बोलेंगे. एनालिटिक तब होता है फंक्शन किसी भी पॉइंट पे, एनालिटिक भी क्या है, अब एनालिटिक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबल क्या पॉइंट बेस्ड कॉन्सेप्ट है. एनालिटिक भी हम किसी पॉइंट पे बोलते हैं, जेड जीरो पे एनालिटिक है अगर जेड जीरो के आसपास इसके कम से कम एक नेबरहुड में फंक्शन सारे पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशियबल हो. इफ इसको कैसे लिखेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ डैश जेड एग्जिस्ट फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जेड माइनस जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन. दिस इज व्हाट हमने डिफाइन किया है, नेबरहुड ऑफ जेड जीरो, ये स्टैंडर्ड नेबरहुड है जेड जीरो, डिस्क है ऑफ रेडियस एप्सिलॉन. हम कह रहे हैं कि जेड जीरो के पास में एक एप्सिलॉन लेंथ की ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसके सारे नेबरहुड में, मतलब ये पूरे उसके अंदर हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशियबल. तो जो एनालिटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो एक पॉइंट पे काम नहीं करेगा. एक पॉइंट पे कभी फंक्शन क्या होता है अपने पास में, डिफरेंशियबल है तो उसको हम एनालिटिक नहीं बोलेंगे. मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे नेबरहुड मिलने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए, तभी वो फंक्शन एनालिटिक हो सकता है. क्लियर है? तो एनालिटिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. इसके एनालिटिक फंक्शन वो कांस्टेंट को इंप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट अपने पास में क्या है, एक केस है, मान लो इस पे आ जाते हैं हम,
रियल पार्ट है, कोई फंक्शन होगा एफ जेड कैसा होगा, यू एक्स कमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कमा वाई टाइप का होगा। अब कह रहा है कि अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है, कोई भी अपने पास में क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट उसका जीरो है। इस केस में ये कह रहा है कि वी क्या है, आइडेंटिकली जीरो है, मतलब वी जीरो है उस पॉइंट पे, तो वी जीरो हो गया। फंक्शन क्या कह रहा है, हर केस में क्या है, एफ इज दिस एंड एफ इज व्हाट, एनालिटिक है, हम एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। एनालिटिक होने का मतलब हो गया कि जिस भी डोमेन पे हम एनालिटिक की बात कर रहे हैं वहां सारे पे वो डिफरेंशियबल तो हो गई होगा। अब डिफरेंशियबल है तो क्या सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हर पॉइंट पे वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन होगा। तो अगर मान लो वी अपने को जीरो दे रखा है, उस केस में क्या होगा, अब यूएक्स इसके इक्वल होता है वी बाय के, वी बाय क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसका मतलब यूएक्स क्या है, जीरो हो जाएगा। यू वाई क्या हो जाता है, माइनस वी एक्स के, ये भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट, एक्स एंड वाई, इसका मतलब यू इज वॉट, कॉन्स्टेंट, यू कॉन्स्टेंट आ गया, मतलब फंक्शन था ही क्या, एफ आपको दे ऐसा रखा था यू टाइप का था, वी तो इसमें ऑलरेडी जीरो था, ये आप कह रहे हो कि जीरो है, ये आ गया अपने पास में कॉन्स्टेंट, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एफ इज कॉन्स्टेंट। सिंपल अपने पास में सी आर इक्वेशन के इम्प्लीकेशन से हमने ये प्रूव किया कि एफ कॉन्स्टेंट होगा। सी आर इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर केस में हम इसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट केस में अगर आपको रियल वैल्यूड फंक्शन तो वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। लाइकवाइज अगर इमेजनरी वैल्यूड फंक्शन है केवल, रियल पार्ट जीरो है, इसका मतलब क्या है, तब भी क्या है, अगर वो इमेजनरी वैल्यूड है, मतलब इस कहने का मतलब इसमें यू जीरो है, तब भी फंक्शन क्या होगा, दिस विल ऑल्सो इम्प्लाई कि एफ क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ये अपने पास में पहली केस तो ये आ गया कि कब एनालिटिक फंक्शन कॉन्स्टेंट होते हैं। तो रियल या इमेजनरी पार्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। नेक्स्ट केस अपने पास में, सेकेंड केस ये हो गया अपने पास में, अगर u किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जो रियल पार्ट है वो कांस्टेंट है, मे नॉट बी जीरो, तब भी क्या होगा, f कांस्टेंट हो जाएगा। अगर v जीरो कांस्टेंट गिवन है, रियल या इमेजिनरी पार्ट अपने पास में क्या है, कांस्टेंट है, तब भी फंक्शन क्या अप्लाई करेगा, f इज कांस्टेंट। क्योंकि मान लो आप से दिस इज v इज c कांस्टेंट है, तो v u y क्या आएगा, सॉरी u x क्या आएगा, v y इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, v तो कांस्टेंट है तो यू एक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा इस केस में क्या है, और यू वाई क्या आ जाएगा इस केस, माइनस वी एक्स, v तो कांस्टेंट गिवन इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इस केस में ये भी जीरो आ जाएगा, अगेन u इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, x एंड y, तो u x y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका मतलब दिस इज व्हाट, कि u भी कांस्टेंट हो गया, v आपको ऑलरेडी कांस्टेंट गिवन था, तो f क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सेकेंड केस ये हो गया कि कोई भी इमेजनरी या रियल पार्ट अगर कांस्टेंट है तो वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थर्ड अपने पास में है, अगर किसी भी एनालिटिक फंक्शन का मॉडुलस कांस्टेंट है, एफ ऑफ जेड अगर क्या है, कांस्टेंट है, मॉडुलस कांस्टेंट दे रहा अपने को, तब भी क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब क्या होगा, कि आपको u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है, c गिवन है, ठीक है, और ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि अपने पास में अगर c जीरो हो गया तो मॉडुलस जीरो हो जाएगा। तो मॉडुलस जीरो, u स्क्वायर v स्क्वायर जीरो होने का मतलब क्या है, कि फंक्शन का रियल पार्ट भी जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, तो फंक्शन ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, तो ये c के इक्वल नहीं होगा। मॉडुलस जीरो होने का मतलब फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, कॉन्स्टेंट। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये ऐसी कंडीशन गिवन है, मॉडुलस का मतलब यही होता है आपको कि मॉड ऑफ एफ जेड इज व्हाट, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो अगर ये कांस्टेंट है, से हम कुछ भी सी वन बोल देते हैं, तो इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो हम ये कंडीशन ले सकते हैं, मॉडुलस कांस्टेंट का मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कांस्टेंट है। तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, देखो
मैं इसका पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यू टू यू यू एक्स प्लस टू वी एक्स, ये क्या आ जाएगा जीरो, टू भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सेकंड अपने पास में इसी तरीके से अगर मैं वाई के रेस्पेक्ट में करूँ तो क्या आ जाएगा, यू यू वाई प्लस वी वाई जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सी आर इक्वेशन का यूज करता हूँ, तो यहाँ सी आर इक्वेशन का यूज करें अगर हम, हमारे पास क्या है कि यू यू एक्स प्लस वी वी एक्स इक्व टू जीरो आ गया, और यू यू वाई प्लस वी वी वाई भी हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अगेन यूजिंग सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन क्या थी अपने पास में, यू एक्स इक्वल है किसके, वी वाई के, और यू वाई इक्वल है माइनस वी एक्स के। आई कैन राइट दीज इक्वेशन u यू एक्स प्लस वी एक्स को मैं लिख सकता हूँ वॉट माइनस यू वाई, तो v ये क्या हो जाएगा इस केस में माइनस ऑफ यू वाई इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं लिख सकता हूँ, मुझे यू वाई का कोफिशिएंट चाहिए तो इसको मैं पीछे लिख रहा हूँ u यू वाई, और वी वाई को लिख सकता हूँ मैं यू एक्स, इसको यहाँ से मैं यहाँ रिप्लेस कर लूँगा इस केस में। इसी जगह पे क्या लिखेंगे हम यू एक्स, तो यू एक्स का ऑप्शन आगे लिखेंगे तो वी यू एक्स, हमने इसमें सी आर इक्वेशन अप्लाई किया। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ही तो है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर है, वेरिएबल क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, यू एक्स और यू वाई, टू वेरिएबल वॉट यू एक्स एंड यू वाई। तो हमें इसकी लीनियर इक्वेशन की थ्योरी से पता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर इसका डिटरमिनेंट, कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, दिस इज व्हाट नथिंग बट यू वी सॉरी माइनस वी बन जाएगा इस केस में, हम यू वाई का कोफिशिएंट देख रहे तो माइनस वी बन जाएगा, और इस केस में बन जाएगा यहाँ पे वी और यहाँ पे यू, दिस विल व्हाट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दिस इज व्हाट नॉट इक्वल्स टू जीरो। सम सीधे रखा है ना, क्योंकि ये क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, इसको हम ऐसा लिख देते हैं इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये तो क्या गिवन है हमें, कांस्टेंट गिवन है कुछ, तो कांस्टेंट गिवन है, इसका मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है अपने पास में, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के पास में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। That is what? U x is 0 equals to u y. मतलब u is independent of what? X and y. U x भी 0 आ रहा है, u y भी 0 आ रहा है, इसका मतलब u है वो x और y से independent है, means u is constant. तो real part constant आ गया, तो function क्या हो जाएगा? Constant हो जाएगा, अभी हमने prove किया। और इसी तरीके से हम इसको v x भी prove कर सकते थे, ये v भी x और y से इंडिपेंडेंट प्रूव कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कंडीशन आ गई है कि अगर रियल पार्ट कांस्टेंट आ गया तो फंक्शन क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। दिस विल व्हाट इंप्लाई कि f इज कांस्टेंट। ये था अपने पास में लॉजिक कि अगर मान लो आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट है, फंक्शन का क्या है, आर्ग्यूमेंट अगर कांस्टेंट दे दिया, ये जो चीज है दिस इज कांस्टेंट, तब भी फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ इज कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, आर्ग्यूमेंट का मतलब कांस्टेंट होने का मतलब कि जो इसका जो फेज है थीटा है, थीटा इज व्हाट टैन इनवर्स ऑफ बी अपॉन यू होगा, एफ जेड अपने पास में इज नथिंग बट यू प्लस आई बी, तो ये थीटा कैसे आता है अपने पास में, टैन इनवर्स ऑफ यू एन अपॉन बी, ये कांस्टेंट है, आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट का मतलब ये, से दिस इज सम के मान लेते हैं इसको। तो यहां से क्या अप्लाई करेगा कि जो v है वो इक्वल हो जाएगा किसके, tan k u के, ये कांस्टेंट है कुछ, tan k भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि जो v दे रखा है वो इज नथिंग बट सम c u दे रखा है। अगेन यहां से भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट होगा, क्या करें हम यहां से कि सी यू एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस
वी एक्स इक्वल टू जीरो, पार्शली मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और अगर मैं वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आ जाएगा, सी यू वाई माइनस वी वाई क्या जाएगा, जीरो। अगेन यूजिंग सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन क्या थी, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू एक्स यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, ये सी आर इक्वेशन थी, ये इसमें मैं अप्लाई करूंगा, और जो लास्ट मैंने उसमें लॉजिक लगाया था वही लॉजिक मैं फिर से लगाने वाला हूँ कि सी यू एक्स माइनस वी एक्स को रिप्लेस करना है मुझे किससे, यू वाई से, तो वी एक्स क्या होता है माइनस वी एक्स से क्या होता है, यू वाई होता है, तो ये यू वाई हो गया इज ज़ीरो, एंड यहाँ पे जो यू है मैं इसको इसका कोएफिशिएंट पीछे लिखूंगा यू वाई, और जो वी वाई है वी वाई किसके इक्वल है, यू एक्स के, तो ये माइनस यू एक्स हो जाएगा। इसके अंदर हमने सी आर इक्वेशन का यूज़ किया है तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से क्या फिर से डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, सी वन माइनस वन एंड सी, ये क्या आ जाएगा, वन प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी कुछ भी हो जाए ये जीरो नहीं होने वाला है क्योंकि वन प्लस है सम पॉजिटिव नंबर इट इज नेवर इक्वल टू जीरो। अब ये क्या है अपने पास में, डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो इन इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये क्या करेगा यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस केस में, और यूनिक सॉल्यूशन कैसा आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यू एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू यू वाई, दिस मीन्स वॉट कि u इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट x एंड y, यानी कि ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, रियल पार्ट कॉन्स्टेंट हो गया अगेन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, किसी भी एनालिटिक फंक्शन का रियल या इमेजिनरी पार्ट कॉन्स्टेंट होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। एक और कंडीशन आ गई अपने पास में, आर्ग्यूमेंट एनालिटिक फंक्शन का कॉन्स्टेंट है तब वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अगली कंडीशन अपने पास में कॉन्स्टेंट होने की, अगर मान लो अपने को ऐसा दे रखा है कुछ कि ए यू प्लस बी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये आई थिंक फिफ्थ कंडीशन है, मतलब यू एंड वी जो फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन है उसके इमेजिनरी और रियल पार्ट, यू प्लस आई वी इज द फंक्शन, इमेजिनरी रियल पार्ट आर लाइज ऑन ए लाइन, ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ये लाइन बनेगी ना, ए यू प्लस बी वी इज वॉट सी, या फिर u इस टाइप का हो ए वी प्लस बी टाइप का, मतलब ये क्या एक लाइन ही तो बनेगी, u और v में क्या लीनियर रिलेशनशिप है, फिर v कैन बी रिटन एज सम ए यू प्लस बी, अगर ये इस यू और वी के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, दे लाइज ऑन ए लाइन, इसका मतलब क्या है, तब भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। इस केस में आप क्या कर सकते हो, देखो इस तरह का फंक्शन है तो इस केस में आप यू कंस्ट्रक्ट ए न्यू फंक्शन जी जेड, वो जो ए कांस्टेंट दे रखे ए और बी, इसी की हेल्प से बनाओ, ठीक है, इसी की हेल्प से अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये ए प्लस आप a माइनस आयोटा b से एक नया नंबर बनाओ जो भी आपको यहाँ कांस्टेंट गिवन है उससे, और fz लो, fz इज व्हाट a माइनस ib u प्लस ib, इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट के अंदर आ जाएगा au प्लस bb, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा को, आयोटा से तो माइनस वन आएगा, ये ऑलरेडी माइनस वन का है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, माइनस ऑलरेडी है इसके पास, तो बी बी बन जाएगा पॉजिटिव में, प्लस कुछ इमेजिनरी पार्ट आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। इस केस में जो जी है, जी का जो रियल पार्ट आ गया वो क्या आ गया, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की बना, प्लस सम इमेजिनरी पार्ट आएगा किसी भी, देखो अगर मान लो ये एनालिटिक है एफ जेड, तो जी भी एनालिटिक होगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे उसकी एनालिटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी जेड भी एनालिटिक था और जी जेड का जो रियल पार्ट है वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, जी जेड का रियल पार्ट कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब क्या है, जी कांस्टेंट है, तो जी कांस्टेंट आ गया तो एफ भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इस केस में क्या हो गया, जी भी कांस्टेंट आ गया, से समथिंग ये आ गया अपने पास में, के कोई कांस्टेंट है और
डिवाइड बाई अगर मैं ए माइनस आई बी करूंगा तो उस केस में क्या आ जाएगा, एफ जेड आएगा, एफ जेड भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट जी जेड एंड प्रूव दैट एफ जेड को क्या होना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा। यानी कि एनालिटिक फंक्शन है उसके जो रियल और इमेजनरी पार्ट है, दे कैन नॉट बी लाई ऑन अ लाइन, दे कैन नॉट लाई ऑन सर्किल। सर्किल का मतलब क्या था, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये तो सर्किल होता है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके। इस केस में क्या होगा, तो मॉडुलस कॉन्स्टेंट होने का मतलब यही था, तो मॉडुलस कॉन्स्टेंट होने का मतलब यही था। इसका मतलब इसको लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रियल और इमेजनरी पार्ट है एनालिटिक फंक्शन के, दे कैन नॉट लाई ऑन ए सर्किल, दे कैन नॉट लाई ऑन ए पैराबोला एज वेल। आप ये भी प्रूव कर सकते हैं इस केस में कि अगर यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर है तब भी हम इसमें वही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हम एक और कंडीशन आ जाएगी, मान लो सिक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर टाइप का है, अगर रियल और लीनियर पार्ट किसी पैराबोला पे लाई कर रहे हैं तो भी फंक्शन कॉन्स्टेंट निकल के आ जाएगा। अगेन यू कैन प्रूव हेयर कि यू एक्स माइनस वी वी एक्स जीरो हो जाएगा और यहाँ पे यू वाई माइनस वी ये जीरो हो जाएगा। ये दोनों अपने पास में इक्वेशन में सीआर इक्वेशन का यूज करो और जो पीछे हमने लॉजिक लगाया वही लॉजिक लगाएंगे तो इस केस में भी कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये भी कंडीशन है एक अपने पास में कि रियल और इमेजनरी पार्ट क्या है, वो सर्किल पे लाई नहीं कर सकते, लाइन पे लाई नहीं कर सकते, और ये क्या है इस केस में पैराबोला पे लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट और कंडीशन है अपने पास में कुछ, जैसे सेवन कंडीशन ये हो गई अपने पास में कि अगर एफ है तो एनालिटिक गिवन ही है अपने को। एफ क्या है, एनालिटिक है ही। अगर एफ बार जेड, मतलब एफ बार जेड मीन्स व्हाट, यू माइनस आयोटा वी, ये भी एनालिटिक दे दिया हो, एफ एंड एफ बार जेड दैट इज व्हाट, यू माइनस आयोटा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, फंक्शन एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोथ आर एनालिटिक, तब भी फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा। ऐसा केवल कॉन्स्टेंट के केस में हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है कि एफ क्या है अपने पास में, यू प्लस आई वी है, ये एनालिटिक है, इसका मतलब ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यू एक्स इक्वल होगा वी वाई के एंड यू वाई इक्वल होगा माइनस वी एक्स के, अगेन दिस इज ऑल्सो एनालिटिक, इसका कॉन्जुगेट है, तो ये भी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे जो v है वो क्या है, ऑलरेडी माइनस वी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वी वाई के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि v ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका y के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा माइनस वी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, u है वो, इन दोनों केसेस से क्या है, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या निकलेगा अपने पास में, इन दोनों को अगर कंबाइनली देखें, दिस प्लस दिस देन यू एक्स अपने पास में जीरो आ जाएगा। और यहाँ से हम वैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे तो यू वाई क्या आ जाएगा, माइनस वी एक्स है, तो वी इज ऑलरेडी नेगेटिव तो प्लस वी एक्स आ जाएगा। अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू वाई भी कौन जीरो आ जाएगा, यू एक्स जीरो है, यू वाई जीरो है, मतलब यू कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट कांस्टेंट हो गया किसी फंक्शन का, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सेवन कंडीशन ये अपने पास, किसी फंक्शन में एफ जेड और एफ बार जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी उसका एनालिटिक है, तब भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है अपने पास, देखो एट्थ कंडीशन अपने पास में यह आ जाएगी कि अगर मान लो एफ है वो यू एक्स कमा वाई प्लस आयोटा बी कमा एक्स कमा वाई, एनालिटिक फंक्शन मान रहे हैं हम, तो एनालिटिक के केस में क्या होता है, जो ये रियल और इमेजनरी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा हार्मोनिक होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। अभी हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज व्हाट, यू एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज जीरो, सॉरी यू एक्स एक्स एंड वी एक्स एक्स एंड वी वाई वाई जीरो, दिस इज व्हाट लाप्लास इक्वेशन। अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, किसी फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे, अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
तो जो एनालिटिक फंक्शन होते हैं उसमें ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो हमेशा क्या होते हैं, हार्मोनिक ही होते हैं। क्लियर है? यू अलग से, हम यू कोई भी क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन ही तो टू वेरिएबल में, तो ये टू वेरिएबल का कोई भी फंक्शन है वो हार्मोनिक कहलाता है अगर वो क्या हो, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। अगेन सेकेंड, इसमें केस के अंदर क्या पॉइंट है, मान लो अपने पास ऐसा है कि कोई भी दो फंक्शन है यू और वी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएंगे। यू इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ वी। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट की, इफ यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, अगर यू और वी आई वी क्या एनालिटिक हो गया तो यू क्या कहलाएगा, वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा। ये पॉइंट है अपने पास में, डिफरेंट फ्रॉम दैट अबो। ये अपने पास में क्या कह रहा था, ये जो मैंने बात बताना चाह रहा हूं इसमें, कि एनालिटिक फंक्शन के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो हार्मोनिक होते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब कहलाते हैं, कोई दो फंक्शन, हम कह रहे हैं कि यू को हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहेंगे वी का इफ यू प्लस आई वी इज एनालिटिक। क्लियर है? अब यहां पे नोट ये है, कांस्टेंट होने का नोट ये है, इफ यू एंड वी आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर इंप्लाइज एफ इज कॉन्स्टेंट। क्यों? यहां पे हम कह रहे हैं कि यू है वो वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, मीन्स वॉट, दिस इज एनालिटिक, और वी है वो यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, इसका मतलब वी प्लस यू आई यू इज ऑल्सो एनालिटिक, बोथ आर एनालिटिक। यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वी का, इसका मतलब क्या है, यू प्लस आई भी एनालिटिक होगा। वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है यू का, इसका मतलब क्या है कि वी प्लस आई यू भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब दोनों एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब ये दोनों ही एनालिटिक है, तो इस केस में इसमें भी सीआर इक्वेशन अप्लाई करो, इसमें भी सीआर इक्वेशन अप्लाई करो, तो यू एक्स वी वाई क्या आ जाए, कॉन्स्टेंट आ जाएगी। क्लियर है? यानी कि यू एक्स क्या आने वाला है, वी वाई के अकॉर्डिंग। फर्स्ट अपने पास में रियल पार्ट का जो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल होता है। इसी तरीके से पहले केस के लिए मैं सीआर इक्वेशन लिख रहा हूं, ये क्या इंप्लाई करेगा अपने पास में कि यू वाई इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस वी एक्स के। एक बात हो गई। इस केस में अगर मान लो मैं फिर से सीआर इक्वेशन अप्लाई करता तो क्या होता है, वी एक्स, ध्यान रखना रियल पार्ट का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, इमेजिनरी पार्ट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। इसके लिए लिख रहा हूं मैं सेकंड केस के लिए सीआर इक्वेशन लिख रहा हूं, तो यहां से अपने पास में क्या आएगा कि दूसरी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यू वाई लिखना है, इमेजिनरी पार्ट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें, सॉरी रियल पार्ट का अपने पास में क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी कि रियल पार्ट का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, मीन्स वॉट, वी वाई, यानी कि रियल पार्ट यहाँ पे वी है, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में, माइनस यू एक्स। कुछ नहीं किया हमने, इसमें यू की जगह वी रिप्लेस कर दिया है, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, यही तो हुआ इस केस में। तो ये अपने पास में क्या है, यहां से क्या इंप्लाई करेगा, देखो इन दोनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यू एक्स भी जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब वी वाई भी जीरो आ जाएगा, ये केस यहाँ से इम्प्लाई कर जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं इसको और इसको मिलाता हूँ तो ये बन जाएगा वी एक्स और यू वाई जीरो आ जाएगा, मतलब कि चारों ही पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आ रहे हैं, यू एक्स वी वाई
वी एक्स और यू वाई, इसका मतलब यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, मीन्स वॉट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट आते ही क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, दैट इज द कंडीशन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है किन किन केसेस में फंक्शन कॉन्स्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन एक्चुअल में, वो है कि लिवालिस थ्योरम। लिवालिस थ्योरम भी इम्प्लाई करती है कि फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कॉन्स्टेंट होता है। तो पहले तो इस केस में क्या होना चाहिए कि एफ फ्रॉम सी टू सी क्या है, एनालिटिक है। फंक्शन जिनका डोमेन क्या हो, पूरा ही कॉम्प्लेक्स प्लेन हो, सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर वो एनालिटिक है, ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम, एंटायर फंक्शन। है तो एनालिटिक फंक्शन ही है लेकिन उनका डोमेन क्या है, पूरा कंप्लीट सी है। तो सिंगुलरिटी जो इसकी, ओनली सिंगुलरिटी इज व्हाट, एंटायर फंक्शन की जो सिंगुलरिटी है केवल वो क्या है, यही होगी इन्फिनिटी। तो एंटायर फंक्शन क्या होते हैं, सी टू सी एनालिटिक। तो लिवालिस थ्योरम क्या है, दैट इज एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कॉन्स्टेंट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, मतलब बाउंडेड एंटायर फंक्शन है, अगर मान लो बाउंडेड नहीं हो सकता, उसका जो मॉडुलस है वो बाउंडेड नहीं हो सकता। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि एफ जेड कैन नॉट बी लेस देन सम के फॉर ऑल जेड। इसका मतलब कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट है तो वो क्या है, फंक्शन उस केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंटायर है प्लस बाउंडेड है, दो कंडीशन ध्यान। एंटायर मीन्स व्हाट, एफ इज एनालिटिक फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्लेन टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसका डोमेन है वो कंप्लीट क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब एंटायर होता है। ठीक है, एंटायर का मतलब पता लग गया, अगर बाउंडेड भी है, एंटायर प्लस बाउंडेड, तो फंक्शन क्या हो जाए, कांस्टेंट। ये क्या है, लिवालिस थ्योरम का स्टेटमेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंडीशन है जो फंक्शन को कांस्टेंट इंप्लाई करती है। एक और कंडीशन है जिस पे बेस्ड पे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आइडेंटिटी थ्योरम। क्या है अपने पास में, इसके जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये भी एक कंडीशन होती है जब क्या है कि जो फंक्शन कांस्टेंट इंप्लाई करता है। इस केस में भी ये कुछ ऐसा है कि जो एनालिटिक फंक्शन है उनके जो जीरोज का सेट है, जहां पे एफ ऑफ जेड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर ये जीरोज का सेट है एफ ऑफ दो जेड सच दैट एफ ऑफ जेड इज जीरो, अगर इस जीरोज का सेट है, से दिस इज ए, तो इसका लिमिट पॉइंट, जीरोज के सेट का लिमिट पॉइंट वापस क्या है, उसके डोमेन में नहीं आना चाहिए। अगर उसके लिमिट पॉइंट, मान लो फंक्शन का डोमेन डी होता, तो डी इंटरसेक्शन ए का जो डिराइव सेट ए, मतलब लिमिट पॉइंट के साथ जो ए, इसके लिमिट पॉइंट के साथ पे क्या इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए था। ये जो लिमिट पॉइंट का सेट बोल रहा हूं मैं ए डैश को, कोई भी लिमिट पॉइंट अगर वापस डोमेन में आ गया तो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो जाता है। एफ क्या हो जाता है, आइडेंटिकली जीरो हो जाता है। ये है आइडेंटिटी थ्योरम दैट वी विल डिस्कस लेटर। ये भी एक केस है जहां पे फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो वो सारी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है अपने लिए जो, जहां पे एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं हमसे, देख लेते हैं उनको। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फॉर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन डोमेन डी कंसिडर द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है अपने पास में, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। ये कह रहे हैं कि रियल पार्ट कॉन्स्टेंट है उसका, इमेजिनरी पार्ट कॉन्स्टेंट है। क्यों में ये कह रहा है, आर में कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ इज कॉन्स्टेंट, विच ऑफ द दीज कंडीशन इंप्लाई एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, ऑल ऑफ थ्री, पी एंड क्यू, पी क्यू एंड आर आर ट्रू,
तीनों ही केस में फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी हमने ये डिस्कस किया है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट कांस्टेंट है, इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है, या फिर आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट है, मॉडुलस कांस्टेंट है, सारे केसेस में फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है, एकदम ये पता थी तो आंसर अपने पास में इसका हो जाएगा, दिस इज ए ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल पी क्यू आर, क्या होगा ऑल पी क्यू आर, तीनों ही केस में क्या होगा, फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर इसके पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, क्या है, पी है कि एफ जेड एंड एफ बार जेड आर एनालिटिक इन डोमेन डी, देन एफ इज कांस्टेंट। अभी बताया था कि एफ ऑफ जेड क्या है, यू प्लस आई वी, एफ बार जेड का मतलब क्या है, यू माइनस आई वी, ये दोनों ही अगर एनालिटिक है तो हम सी आर इक्वेशन दोनों में अप्लाई करेंगे तो हम ये आराम से इजीली प्रूव कर सकते हैं कि यू एक्स और यू वाई क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, हेंस एफ इज कांस्टेंट। अभी हमने डिस्कस किया ही तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। सेकंड क्या है अपने पास, यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, देन सो इज जी जेड, ये भी एनालिटिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये पूछा है करेक्ट कौन सा होगा इसमें से। फर्स्ट तो करेक्ट है, पी स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड कह रहा है कि यू प्लस आई वी एनालिटिक है, और सेकंड ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जी जेड मतलब वो क्या बना रखा है, एक्सचेंज कर दिया रियल और इमेजिनरी पार्ट, वी प्लस आई यू ये भी एनालिटिक हो जाएगा। और अगर ये भी एनालिटिक हो गया तो ऐसे कौन सा एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा, ये कॉन्स्टेंट बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना, इसने बोला है कि टू स्टेटमेंट एफ एनालिटिक है तो ये भी एनालिटिक हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा होगा तब तो फंक्शन कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा, अगर कोई नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तब तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन के लिए ये ट्रू नहीं हो सकता। बात समझ में आई आपको। सेकेंड अपने पास में स्टेटमेंट ये है कि एफ क्या है, सपोज हम डी टू सी क्या है, एनालिटिक है एंड नॉन कॉन्स्टेंट है, साथ में क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो एफ क्या हो जाएगा इस केस में, यू प्लस आई वी एनालिटिक गिवन है, उस केस में कभी भी वी प्लस आई यू एनालिटिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये और ये दोनों एनालिटिक हो गया तो फंक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर हम नॉन कॉन्स्टेंट एफ ले रहे हैं तो उस केस में कभी अप्लाई नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, क्यू क्या इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन हुज वैल्यू लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कह रहा है कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन है एफ, से दिस इज यू प्लस आई बी, तो जो इसके जो ये हमेशा लाई कर रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन पे है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन नहीं कर सकता। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एनालिटिक फंक्शन के जो यू और वी, मतलब ये जो इस तरीके से कह रहा है घुमा फिरा के कि दिस इज सी, इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दिस विल इम्प्लाई फंक्शन इज वॉट, कॉन्स्टेंट। क्यों, किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जो सामने इमेज बनेगी वो लाइन नहीं हो सकती, यू एंड वी कैन नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कैन नॉट लाई ऑन ए सर्किल, कैन नॉट लाई ऑन ए पैराबोला, और भी किसी कर्व पे बोले तब भी ये क्या हो जाएगा, फंक्शन को कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा, उस केस में लाई कर ही नहीं सकती। क्लियर है, उस केस में क्या अपने पास में बी जो है वो केस ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, क्योंकि एफ कॉन्स्टेंट निकलेगा। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके कि अगर स्ट्रेट लाइन पे लाई करे एनालिटिक फंक्शन तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ जेड इज एनालिटिक थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड इट्स मॉडुलस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। मॉडुलस बाउंडेड है और
एनालिटिक फंक्शन है थ्रू आउट कॉम्प्लेक्स प्लेन। थ्रू आउट कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब क्या है, एफ इज एनालिटिक फ्रॉम सी टू सी और एनालिटिक गिवन है, ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, एंटायर फंक्शन कहलाते हैं। अब एंटायर फंक्शन होते हैं वो क्या है, एंटायर प्लस बाउंडेड गिवन हो तो फंक्शन क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। ये कौन कह रहा है, ये लिवोलिस थ्योरम कह रहा है। लिवोलिस थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन होते हैं वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। घुमा फिरा के इन्होंने एंटायर फंक्शन क्या होते हैं वो दे दिया क्वेश्चन में कि एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन, मीन्स वॉट, एफ इज एंटायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ जेड इज गिवन लाइक दिस, इज एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू जीरो, एट इन्फिनिटी, मैनी पॉइंट, एवरीवेयर, नोवेयर। ये कहाँ पे है, देखो एनालिटिक फंक्शन जो होता है अभी हमने डिस्कस किया था कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे हर पॉइंट पे, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन होते हैं वो क्या, हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए। तो यहां से हम अगर इसमें सी आर इक्वेशन इंप्लाई करें सिंपल, इसके एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे इसको, कि यू एक्स होना चाहिए वी वाई के इक्वल, वी एक्स होना चाहिए क्या, जो यू वाई होना चाहिए माइनस वी एक्स के इक्वल। दिस इज वॉट सी आर इक्वेशन, ये है अपनी सी आर इक्वेशन। जिन जिन पॉइंट पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है उन्हीं पॉइंट में हम वो डिफरेंशियबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी आर इक्वेशन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, आप यू एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स। यू क्या है यहाँ पे, यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी इज एक्स वाई। तो यहाँ पे यू एक्स क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, वी वाई, वी वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल एक्स आ जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में, ये क्या था वी वाई। टू एक्स एक्स के इक्वल तभी होगा जब एक्स क्या होगा, जीरो। दिस इंप्लाइज एक्स इज जीरो, तो ये पहली इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगी जब एक्स जीरो। सेकेंड इक्वेशन क्या है, वी यू वाई, यू वाई का मतलब ये हुआ कि इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव, तो यू वाई आ जाएगा अपने पास में टू वाई। और माइनस वी एक्स मीन्स वॉट, माइनस वी एक्स का मतलब हो गया ये वाई, तो यहाँ से ये तभी इक्वल होगा जब वाई क्या आ जाएगा, जीरो होगा। इसका मतलब सी दोनों इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगी जब एक्स जीरो हो और वाई जीरो हो। इट मीन्स वॉट कि जीरो कॉमा जीरो इज द ओनली पॉसिबल पॉइंट वेयर एफ कैन बी डिफरेंशियबल। एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे फंक्शन क्या डिफरेंशियबल हो सकता है, हो भी जाए तो भी एक ही पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा। एक ही पॉइंट पे डिफरेंशियबल है इसका मतलब फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं हो सकता है। फंक्शन एनालिटिक होने के लिए जरूरी है कि वो जिस भी पॉइंट पे एनालिटिक है उसके आसपास एक डिस्क मिलनी चाहिए, या फिर अपने पास उसके आसपास क्या है, एक नेबरहुड मिलना चाहिए अपने को जिसपे थ्रू आउट फंक्शन क्या हो, डिफरेंशियबल हो। उस पूरे डिस्क पे फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए। लेकिन या तो एक ही पॉइंट पे अगर मान लो कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उस केस में तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता है। अगर फंक्शन आपको रियल पार्ट मान लो अपने पास में पूरे रियल एक्सिस पे क्या डिफरेंशियबल गिवन है, तब भी फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए किसी पॉइंट पे एक डिस्क मिलनी चाहिए जहाँ पे फंक्शन थ्रू आउट क्या हो, डिफरेंशियबल हो। एक लाइन है केवल यहाँ पे, तो जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशियबल गिवन है उस केस में भी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल होने का मतलब एनालिटिक तो कभी नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो वेयर, फंक्शन कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है। ये सारे क्वेश्चन थे, एनालिटिक फंक्शन होता क्या है और कब कब एनालिटिक फंक्शन कॉन्स्टेंट होते हैं।